हेलो गाइस। सो ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको कोड समझाऊंगा मैं फॉर डेवलपिंग मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम एंड मिड पॉइंट इक्लिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम। ये दो प्रोग्राम समझते हैं जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे ये एल्गोरिथम्स जो है सर्टन थोड़े एल्गोरिथम समझने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले डायरेक्टली कोड समझते हैं, बाद में अगर मुझे टाइम मिला तो वो टाइम पे मैं थियोरी डिस्कस करूँगा। सो बेटर कि हम लोग डायरेक्टली जो हम लोगों का कोड है वहाँ पे ही जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, बिकॉज अदरवाइज जो अपना वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो बेटर कि हम लोग सबसे पहले जो काम का हम लोग का पॉइंट्स है वो ही डिस्कस करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये मैंने लास्ट वाला जो है वो कर दिया है, आज ही मैं कर दूंगा ये। सो ट्राई कर रहा हूँ मैं, होगा उतने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए एक ही दिन में, बिकॉज वापस मुझे फिर टाइम मिले ना मिले। तो अपने टोटल 10 प्रैक्टिकल्स है, जिसमें से अभी मैं 5 आपको बता रहा हूँ, मतलब 50% जितना हम लोग का प्रैक्टिकल आज मैं ख़त्म कर दूंगा। ट्राई करूंगा 6-7 तक भी जाने के लिए, 2D वाला पार्ट पे जाने के लिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम लोग ट्राई करेंगे कुछ, अगर प्रैक्टिकल पार्ट अगर हम लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है या कुछ भी है ना, वो भी ट्राई करेंगे हम लोग साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विथ टर्बो सी। नाउ जाते हैं हम लोग ये मेरा लास्ट वाला प्रैक्टिकल है, जिसमें हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे वापस। आप ट्राई कीजिए कि आप मेरे साथ परफॉर्म करते जाओ, तो क्या होगा कि आपको भी हैबिट पड़ते जाएगा, और वो ही बेस्ट वे होता है कुछ भी प्रैक्टिकल करने का। मैं इसको पहले तो सेव कर देता हूँ, दैट अगर गलती से भी अगर कंप्यूटर हैंग होता है तो मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हम लोगों का मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा इसको SYIT मिड पॉइंट सर्कल .cpp। ओके, अब देखिए ये भी हम लोग का जो प्रोग्राम है ये C++ में है, और ट्राई करते हैं इसको। एक्चुअली C++ में करेंगे ना थोड़ा बड़ा है कोड, मैं सी में बताता हूँ। चलो आपको अभी ये वाला इसको सेव एज चेंज करते हैं SYIT मिड पॉइंट सर्कल .c। सो यहाँ पे अभी हम लोग इसको सी में ट्राई करते हैं, फाइल इंक्लूड करना है आपको, आप चाहिए तो C++ में भी ट्राई कर लेना फिर साथ में। सबसे पहले सी है तो मतलब stdio.h आएगा, उसके साथ और एक जो आएगा वो आएगा इंक्लूड, सॉरी जरा कंप्यूटर जब से टर्बोसी डाला है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो गया मेरे कंप्यूटर में। ओके, वापस आते हैं अपने कोड पे, conio.h, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग फाइल इंक्लूड करेंगे वो हम लोगों का रहेगा graphics.h, उसके साथ और जो हम लोग इंक्लूड करेंगे वो आएगा मैथ फंक्शन करना है, तो math.h वाला पैकेज हम लोग डालेंगे, उसके साथ void main, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे अभी आपको सर्टेन चीज़ें लगेंगे, एक वाई के लगेगा, मतलब याद रखो अभी जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या करना है कि धीरे 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 जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो पॉइंट आपको ड्रॉ करते जाने, मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों का सेंटर में अगर हम लोगों का रेडियस, ये मिड पॉइंट है मेरा, यहाँ से ये पॉइंट से क्या होगा एक रेडियस हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, ये सर्कल का पॉइंट है तो यहाँ से ये रेडियस होगा, और वहाँ से क्या होगा धीरे 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 सर्कल ड्रॉ होते जाएगा। मैं आपको एक बार नोट्स में समझा देता हूँ, देखिए बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको ईजिली समझेगा। तो ये हम लोगों का नोट्स है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये रहा मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम कैसे वर्क होता है, ये यहाँ पे देखिए, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से ये हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया,
और ये रेडियस कैलकुलेट करने के बाद है ना, ये मेरा सेकेंड ऑक्टेट है। देखो अब ये फर्स्ट ऑक्टेट है, एट पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली मिरर करेंगे, तो क्या होगा ये सेकेंड वाला पार्ट आपका बनते जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या याद रखना है आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ये हम लोगों के ऑक्टेट पॉइंट्स है। सबसे पहले मैं अपना जो सर्कल रहेगा वहाँ पे ये वाला पॉइंट मेजर करूँगा, ये वाला पॉइंट मेंशन करूँगा, ये वाला है ना। सेम वे हम लोग क्या करेंगे एट पॉइंट मेंशन करेंगे, कहाँ कहाँ पे मेंशन करेंगे, चार अलग क्वार्टर्स होते हैं। स्क्रीन को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी ये जो है ये क्या है मेरा फर्स्ट एक्स एंड वाई है, इसको मैं एग्जैक्टली अपोजिट में यहाँ पे क्या करूंगा मिरर करूंगा, वाई एक्स हो गया। फिर यहां से मैंने ये मेरा 45 का एंगल बना, जैसे यहाँ पे है ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आया, माइनस एक्स वाई है, इसको एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे मिरर किया, क्या हो गया माइनस एक्स वाई हो गया। सेम वे यहाँ से हम लोग इसको 45 का एंगल बनाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना हम लोगों का कौन सा है माइनस एक्स वाई है, इसको एग्जैक्ट मिरर करेंगे तो क्या होगा, मिरर मतलब क्या हो गया माइनस माइनस एक्स वाई की जगह पे माइनस वाई एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या करेंगे सेंटर में यहाँ डिवाइड करेंगे, ये मेरा 45 का एंगल बनेगा। और यहाँ पे जो मेरा एक्स माइनस वाई है इसको एग्जैक्टली अगर मिरर किया तो क्या बनेगा वाई माइनस एक्स। आपको समझ में आया, तो हम लोग क्या करें ऑक्टेट डिफाइन कर रहे हैं, ये मेरा 45 का एंगल है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया अगर x एंड y डिफाइन किया तो ये सेकेंड ऑक्टेट क्या बनेगा मिरर बनेगा इसका, दैट इज y एंड x एग्जैक्ट, मतलब आपको मिलेगा एक अपना ये 1/4 सर्कल मिलेगा। ऐसे ही हम लोग ये सेम चीज को रिपीट करते जाएंगे जैसे यहाँ पे दिए, तो आपको एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, एक ओरिजिनल वाले और चार ओरिजिनल वाले और चार मिरर वाले, मतलब टोटल 8 पॉइंट्स हम लोग डिफाइन करते हैं। और वो 8 पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हम लोग डिफाइन करते जाएंगे कि अगर यहाँ से मेरा अगर सर्कल ड्राइंग चालू हो रहा है तो ये पॉइंट मैं कंसिडर करूंगा और ये वाला पिक्सल कंसिडर करूंगा, और आपका जो सर्कल जो है ना पास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ये दो पिक्सल्स के बीच में से हो रहा है, ये पिक्सल को वो टच कर रहा है या बॉटम वाले पिक्सल को टच कर रहा है। अगर यही सेम है तो एक्स एंड वाई का एक्स के एंड वाई के का वैल्यू देखे सेम रहेगा, बराबर है। अगर आपका सर्कल जो है वो ऊपर वाले पिक्सल को कनेक्ट कर रहा है जो वाई एक्सिस के साइड पे, बराबर है ना, ये वाई एक्सिस के साइड पे, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स का वैल्यू चेंज किए बिना वाई के का जो वैल्यू है ना उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे प्लस वन ऐड करेंगे। और अगर आपका जो नेक्स्ट जो पिक्सल है सर्कल ड्रॉइंग के लिए वो अगर एक्स एंड वाई दोनों साइड पे जा रहा है तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, स्टार्टिंग में मेरा x का जो वैल्यू है यहाँ पे वो सपोज 2 था, अभी क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो x के में से मैं क्या करूंगा एक माइनस करूंगा, और y का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो उसमें क्या करूंगा मैं प्लस 1 करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये हम लोग का सर्कल ड्राइंग रहेगा। अब हम लोग अपना कोड ट्राई करते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से पॉइंट्स लगेंगे यहाँ पे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लगेगा एक्स के वाई के है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स के लिखता हूं अभी वाई के लिख दिया है, देन एक्स जीरो वैल्यू लगेगा कॉमा वाई जीरो वैल्यू लगेगा, उसके साथ के का वैल्यू लगेगा दैट इज अ नॉर्मल पिक्सल वैल्यू जिसको हम लोग के अज्यूम कर रहे हैं, देन जब हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट का मेरा फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग पॉइंट का वैल्यू दे रहे हैं, सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस भी लगेगा उसके साथ में, मेरा रेडियस का वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड रेडियस का वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स के एंड वाई के होगा। देन ग्राफिक ड्राइवर आएगा, डिटेक्ट लिखेंगे कॉमा, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ग्राफिक मोड एक्टिवेट करेंगे इक्वल टू 1 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी चलेगा वो। देन ग्राफिक इनिशियलाइज करेंगे इनिट ग्राफ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम्परसेंट, क्या लिखेंगे ग्राफिक ड्राइवर कॉमा एम्परसेंट ग्राफिक मोड कॉमा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डबल कोट्स में सी ड्राइव में अपना टर्बो सी 3 VGI फोल्डर का मैंने लिंक दे दिया, सेमीकोलन डालूंगा यहाँ पे, देन उसके साथ अभी हम लोग सी है ये प्रोग्रामिंग तो प्रिंट एफ आएगा, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ इसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, उसके साथ यहाँ पे हम लोग कोलन स्लैश एन लिखेंगे, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, वैल्यू जो भी एंटर होगा उसको हम लोग स्कैन करके कैच करेंगे, किसके अंदर कैच करेंगे परसेंट डी यहाँ पे लिख दिया, और कैच करेंगे हम लोग एम्परसेंट
रेडियस दे दी, जो मेरा रेडियस वाला जो वेरिएबल है उसका एड्रेस दे दिया, वहाँ पे मेरा वैल्यू स्टोर होगा। उसके बाद लाइन वाला फंक्शन हम लोग लिखेंगे सो दैट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे प्रॉपरली, जैसे लास्ट वाले में दिया था 320.0, अगेन 320.640 में वैल्यू डालता हूँ। देन नेक्स्ट जो मेरा लाइन रहेगा दैट इज़ वाई एक्सेस वाला, उसके ऊपर स्टार्टिंग का एक्स का वैल्यू मुझे पता नहीं है, y का वैल्यू मैं डालूंगा या y1 का 240, x का हाईएस्ट वैल्यू 640 है एंड y का हाईएस्ट वैल्यू 240 डालता हूं मैं। देन इसके साथ x की जो है इसको मैं स्टार्टिंग में 0 पे इनिशियलाइज करूंगा, yk का जो वैल्यू है इसको मैं असाइन करूंगा मेरा जो एग्जैक्ट रेडियस का वैल्यू है, मतलब रेडियस जो है मेरा कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम लोग, वाई एक्सिस के ऊपर। देन एक्स का जो मेरा सेंटर वैल्यू रहेगा है ना, मतलब आपका सर्कल जो स्टार्ट होगा कोई तो एक सेंटर वैल्यू से चालू होगा, तो सेंटर वैल्यू क्या बताऊंगा मैं 320। एंड वाई एक्सिस पे जो मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा 240, मतलब एक्स का वैल्यू जहाँ 320 है एंड वाई का वैल्यू जहाँ 240 वहाँ पे आपका सर्कल स्टार्ट होगा। देन जो मेरा पॉइंट आगे बनते जाएंगे वो कैसे बनते जाएंगे, मैं 1 माइनस करूंगा किस में से, आर के वैल्यू में से, तो मुझे पी के का वैल्यू मिलते जाएगा। अभी मैं यहाँ पे वाइल्ड लूप लिखूंगा कि ये पॉइंट जो बनते जाएंगे वो कब तक बनेंगे, तो एक्स के इफ एक्स के इज लेस देन वाई के, अगर ये कंडीशन हो रहा है तो वो टाइम पे हम लोग एक पुट पिक्सल वाला फंक्शन कॉल करेंगे। और याद रखो मैंने अभी आपको जो डायग्राम में बताया ना वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे बनाते जाएंगे। कौन से पॉइंट्स बनाएंगे, सबसे पहले मैं वापस आपको डायग्राम बता देता हूँ, देखो बाद में हम लोग ये वाला लिखते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन से पॉइंट्स बनाने वाले हैं, ध्यान से देखो ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। सो कौन से पॉइंट्स है, सबसे पहले ये जो एक्स एंड वाई का वैल्यू है तो इसको मैं लिखूंगा एक्स एंड वाई का, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन मुझे चेक करना है ना, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पिक्सल नंबर कैसे मिलेगा, एक्स के होगा ये और ये वाई के होगा, देन ये वाई के होगा ये एक्स के होगा, बराबर है। तो सेंटर वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, तो सेंटर वैल्यू से सी के प्लस क्या होगा हम लोगों का वाई सी होगा। देखिए मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ गया, ये जो 8 पॉइंट्स है ना ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ पुट पिक्सल, जाके क्या होगा हम लोग के 8 जो पिक्सल्स है वो प्लॉट होते जाएंगे, ठीक है। समझते हैं जल्दी से, सो थोड़ा स्क्रीन में मैक्सिमाइज करता हूं, अभी वाइल लूप लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कहां गया, यहां पे मेरा वाइल लूप है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने वैल्यू किसका दिया, एक्स के का, उसको मैं ऐड कहां से करूंगा सेंटर वैल्यू है ना सी का वैल्यू, देन सेम वे वाई के का वैल्यू होगा प्लस उसके अंदर y का जो सेंटर वैल्यू है वो ऐड करेंगे, और उसके आगे ये जो भी वैल्यू है जो भी पॉइंट्स है इसको हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, y डिफाइन करेंगे सो दैट वो दिखते जाए मुझे। देन नेक्स्ट जो मैं डिफाइन करूंगा सेम है देखिए फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी मैं, अभी ये वाला जो फंक्शन है ना जिसमें हम लोगों ने क्या किया एक्स के किया ना, एक्स के प्लस सी किया वाई के प्लस वाई सी किया, तो इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, एक्स एंड वाई के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे वाई एंड एक्स लिखेंगे, तो मैं वाई के प्लस यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं वाई के प्लस एक्स सी का वैल्यू मेरा एक्स सी स्मॉल कॉमा यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स के प्लस वाई सी कॉमा वाई, वैल्यू वो पर्टिकुलर पिक्सल जो प्लॉट होते जाएगा वो पिक्सल्स क्या होते जाएंगे वाइट होते जाएंगे, तो हम लोग को इजीली पता चलेगा कि हम लोग का सर्कल कहाँ कहाँ पे ड्रॉ होते जा रहा है। उसके बाद वापस सेम, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे वो रहेगा एक्स के प्लस एक्स सी कॉमा माइनस वाई के प्लस वाई सी। देखो यहाँ पे x प्लस है एंड y माइनस है, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो एग्जैक्ट अपोजिट में क्या लिखूंगा, सबसे पहले y के आएगा, y के प्लस क्या लिखेंगे हम लोग xc कॉमा क्या लिखेंगे y के, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स के प्लस वाई सी कॉमा वाइट। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों का क्या था, एक्स के था, यहाँ पे
माइनस वाई के था, तो यहाँ पे वाई के हो गया और यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स के, तो ये मिरर होता है। देन वापस मैं यहाँ पे लिखूंगा पिक्सल, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस एक्स के प्लस एक्स सी कॉमा। अब देखिए यहाँ पे अगर x माइनस है तो उसके साथ क्या रहेगा, y भी माइनस रहेगा ना, हम लोग थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस वाई क्या आएगा प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग उसके साथ yk के साथ yc, ठीक है, कॉमा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे वाइट उसके साथ फुट पिक्सल। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस एक्स के था तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा माइनस वाई के आ जाएगा, प्लस तो सेम ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एक्स सी ही होगा, कॉमा माइनस क्या होगा एक्स के होगा यहाँ पे, प्लस क्या लिखेंगे वाई सी लिखेंगे कॉमा वाइट, ठीक है। ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट हो गया। इसके साथ अभी और एक देखिए कितने पिक्सल्स हुए हम लोग के, सिक्स हुए, मतलब और एक मिरर बनाना बाकी है, तो पुट पिक्सल लिखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे और बाद में यहाँ पे क्या लिखते जाएंगे एक्स के प्लस एक्स सी कॉमा माइनस सॉरी माइनस नहीं होगा ना, अभी यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे दोनों माइनस थे, देखिए पहले क्या था एक्स प्लस था वाई माइनस था, देन दोनों माइनस माइनस थे, तो अभी क्या होगा एक्स माइनस होगा वाई प्लस होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस वाई सी, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस वाई सी आएगा, वाई के प्लस वाई सी आएगा, सॉरी वाई के प्लस वाई सी आएगा, बराबर है ना, कॉमा कॉमा क्या लिखेंगे वाई, क्या लिखा माइनस एक्स के प्लस एक्स सी वाई के प्लस वाई सी एंड पिक्सल वैल्यू क्या हो जाएगा वाइट, पुट पिक्सल एग्जैक्ट अपोजिट मिरर होगा तो क्या आ जाएगा वाई के प्लस एक्स सी का तो वही रहेगा एक्स सी कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा एक्स के आएगा प्लस वाई सी ही रहेगा कॉमा वैल्यू वाइट, ठीक है। एंड उसके साथ अभी हम लोग लिखते हैं इफ ये जो भी पॉइंट्स हम लोगों को मिलेंगे दैट इज पी के मिलेगा इफ इट इज लेस देन जीरो, ठीक है, इफ द पॉइंट विच वी फाउंड हियर इफ दैट पॉइंट इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे मैं उसका कैसे लिखूंगा एक्स के इक्वल टू एक्स के प्लस वन, मतलब वो कौन से साइड पे प्लॉट होते जाएगा एक्स एक्सिस के साइड पे, और वाई के का वैल्यू क्या रहेगा yk ही रहेगा, गेटिंग, और उसके साथ नेक्स्ट जो pk का वैल्यू मिलेगा मुझे वो नेक्स्ट pk का वैल्यू कैसे मिलेगा एग्जिस्टिंग pk के वैल्यू में मैं प्लस 2 इंटू xk का वैल्यू प्लस 1, ये उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अभी, ठीक है, एल्स अगर ये pk का वैल्यू मेरा लेस देन 0 नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे xk इक्वल टू एक्स के प्लस वन वाई के इक्वल टू, है ना, एक्स साइड साइड पे इंक्रीज होगा वो और उसके साइड में क्या होगा वाई साइड पे डिक्रीज होगा, याद रखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना आपका सर्कल ड्रॉ हो रहा है, मतलब क्या होगा वो घूमते जाएगा ना, तो कहीं पे एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा कहीं पे वाई का वैल्यू इंक्रीज होगा, और यहाँ पे ये कंडीशन में हम लोगों को नेक्स्ट जो पी के का वैल्यू मिलेगा वो कैसे मिलेगा पी के प्लस टू मल्टीप्लाई विथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के का वैल्यू से प्लस वन माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा वाई का वैल्यू आपको माइनस करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग वाई के वैल्यू के साथ, तो मैंने एक्स का वैल्यू ऐड किया और वाई का वैल्यू माइनस किया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब ये मेरा एल्स वाला पार्ट हो गया, डिले हम लोग करेंगे 100 का, ब्रैकेट सेकेंड बंद, गेट सी एच ग्राफिक मोड ऑफ कर दो, क्लोज ग्राफ फंक्शन कॉल किया, लास्ट में ये फंक्शन भी बंद हो गया, सेव कर लेते हैं एक बार, कंपाइल करते हैं, एक एरर बता रहा है, कहाँ बता रहा है सी पे, सॉरी ये एक्स सी होगा, कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करते हैं, सो
आउटपुट आने दो, क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, मैं बता रहा हूँ रेडियस जो रहेगा मेरा वो रहेगा 60 का। सो देखिए यहाँ पे धीरे 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 दिख रहा है आपको दोनों साइड से वो सर्कल ड्रॉ हो रहा है, दैट्स इट, दैट्स आर आउटपुट। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं इसके साथ। सो इसके बाद वाला जो हम लोग वीडियो करेंगे उसके अंदर मैं आपको इसके बाद फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है, फिफ्थ प्रैक्टिकल का, वो मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।